हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे जहां हम देते हैं पुराने सिक्के और नोट्स के बारे में सच्ची जानकारी। दोस्तों, आज हम आपको अपनी वीडियो में 1 पैसे के कॉइन के बारे में बताएंगे उसकी वैल्यू क्या होती है और कौन से कंडीशन में ज्यादा वैल्यू पे सेल होता है। दोस्तों, इससे पहले कि हम अपना वीडियो स्टार्ट करें, आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे दूसरे चैनल की लिंक मिल जाएगी। आप उस चैनल पे जाइए, वहां की वीडियोस देखिए। अगर वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है उस कॉइन की जो इमेज है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। ये 1 पैसे का कॉइन है। बहुत से हमारे सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स और बहुत से जो नए लोग हमसे जुड़ रहे हैं उनके हमेशा रेगुलर बेसिस पे इंक्वायरी आती है कि सर, इस कॉइन की वैल्यू कितनी है, इसे कहां सेल करें। तो हमने सोचा कि इस कॉइन पे अलग से एक वीडियो बनाया जाए जिसमें इस कॉइन की फुल डिस्क्रिप्शन, कौन से कॉइन रेयर हैं, कौन से मिंट के कॉइन रेयर हैं, ये सारी चीजें आपको अलग से बताई जाए। तो दोस्तों, आपको स्क्रीन पे इमेज तो दिखाई दे रही है कॉइन की, अब बात करते हैं उसके मिंटेज कहाँ कब हुई थी और उसकी स्पेसिफिकेशन है क्या है। इस कॉइन की अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो मिंटेज हुई थी 1965 से लेकर 1972 के बीच में हुई थी, मतलब 1972 तक हुई थी। और कॉइन का जो मेटल होता है मैग्नीशियम एल्युमिनियम होता है और कॉइन का जो वेट होता है अप्रॉक्स 0.7 ग्राम तक होता है। कॉइन का साइज है, जो कॉइन का डायमीटर होता है वो 17 mm तक होता है। इस कॉइन को अगर आप देखेंगे तो स्क्वायर शेप का होता है। इस कॉइन का जो शेप है स्क्वायर राउंडेड शेप कहते हैं, क्योंकि कॉर्नर्स पे जो होता है राउंडेड होता है, यानी कर्व्ड होता है। अब मेन चीज आता है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी और कौन कौन से कॉइन जो मिंट के हैं या जो ईयर के हैं वो रेयर है। पहले आप बात करते हैं 1965 वाले कॉइन की। इसमें क्या है, ये जो कॉइन आते हैं ये कॉमन कॉइन है 1965 के जितने भी कॉइन थे। इसकी जो मिंटेज होती बॉम्बे, हैदराबाद और हैदराबाद मिंट से होती। इसकी जो वैल्यू है 5 से 10 रुपए तक होती है कंडीशन के अकॉर्डिंग। 1966 में भी कोई भी कॉइन रेयर नहीं था, इन 1966 वाले कॉइन की भी वैल्यू 5 से 10 रुपए तक होती है। उसके ऐसे 1967 के भी सेम है, 5 से 10 रुपए तक वैल्यू होती है कोई भी कॉइन हो। 1968 का भी सेम है, 5 से 10 रुपए तक वैल्यू होती है। उसके बाद से आता है 1969 का। 1969 में कॉइन जो थे 3 मिंट से बनाए गए थे, बॉम्बे, कोलकाता, हैदराबाद मिंट। और ये तीनों मिंट के कॉइन, यानी 1969 का कोई भी कॉइन हो, थोड़ा स्कैर्स होता है, आसानी से आपको देखने को नहीं मिलता है, इसकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा होती है। अगर इसके वैल्यू के बारे में बात करें तो इसकी जो वैल्यू होती है 30 रुपए से लेकर 50 रुपए के बीच में होती है। सोचिए, 1 पैसे का कोई सिक्का है आपको 30 से 50 रुपए तक दे रहा है, तो और आगे चल के उसकी वैल्यू और बढ़ने वाली है। तो ये कलेक्शन पर्पस के लिए भी अच्छा है, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भी अच्छा है, क्योंकि आगे चल के वैल्यू इसकी बढ़ेगी ही, कम नहीं होगी, क्योंकि ये स्कैर्स कॉइन है, आसानी से नहीं मिलता। उसके बाद से आता है 1970 का कॉइन। 1970 में सिर्फ कोलकाता मिंट ने 1 पैसे के कॉइन बनाए थे, तो जिसकी वजह से ये कॉइन भी स्कैर्स हो गया और आसानी से देखने को नहीं मिलता है, तो जिसकी वजह से इसकी भी वैल्यू थोड़ी बढ़ गई। इसकी वैल्यू 30 से 50 रुपए के बीच में होती है कंडीशन के अकॉर्डिंग। आज की डेट में अगर आप लेने जाएंगे तो हो सकता है 30 रुपए से कम में थोड़ा सा मिल जाए, 50 रुपए से ज्यादा मिल जाए। ये जो हम वैल्यू बता रहे हैं उसको, वो आपको अप्रॉक्स वैल्यू बता रहे हैं कि हाँ, इतने तक कॉइन की वैल्यू होती है, इतने तक अगर आपको मिले तो आप खरीद सकते हैं। ये अप्रॉक्स वैल्यू होती है, थोड़ी कम भी हो सकती है, थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है। तो 1970 वाला कॉइन भी रेयर होता है और कोलकाता मिंट का होता है। उसके बाद से आता है 1971 और 1972 के कॉइन। ये दोनों कॉइन भी कॉमन थे, आसानी से देखने को मिल जाते हैं, जिनकी वैल्यू 5 से 10 रुपए तक होती है। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में आपको बताया कि 1969 का कोई भी कॉइन हो, चाहे वो बॉम्बे, कोलकाता, हैदराबाद मिंट, और उसके बाद से 1970 का कोलकाता मिंट का कॉइन, ये दो ईयर के और दो, ये जो मिंट हमने बताया दो ईयर के कॉइन, ये बहुत ही रेयर कह सकते हैं, स्कैर्स कह सकते हैं 1 पैसे के कॉइन में। ये कॉइन वैल्यूएबल होते हैं, इनको आसानी से देखने को नहीं मिलता है मार्केट में, तो ये कॉइन आप अपने कलेक्शन में रख सकते हैं। अगर आप एक कलेक्टर हैं तो आप अपने कलेक्शन में रख सकते हैं, आगे चल के इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। क्योंकि बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स ने हमसे पूछा है कि सर, इसमें कौन से कॉइन रेयर होते हैं, इसमें कौन से कॉइन की वैल्यू थोड़ी ज्यादा होती है, तो आप ये जो कॉइन हमने बताया अपने कलेक्शन में रख सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर आपके पास कोई पुराने सिक्के हैं, नोट्स हैं, जिनकी वैल्यू आपको पता करनी है, तो आप उसके लिए हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जीमेल आईडी, इंस्टाग्राम आईडी दी हुई है, इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं और वहां पे अपने जो क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसे लगती है। सब्सक्राइब कर दें हमारे इस चैनल को, दबा दें बेल बटन, जिससे कि हमारी वीडियोस आने वाली सबसे पहले देख सकते हैं।